कोलकाता में शिक्षक भर्ती घोटाले और नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। सुबह लेफ्ट के छात्र संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। लेफ्ट के बाद एबीवीपी के छात्र विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे और सड़क पर जाम लगा दिया। एबीवीपी छात्रों ने टीईटी अभ्यर्थियों पर पुलिस की जोर आजमाइश पर नाराजगी जताई। कल रात धरने पर बैठे टीईटी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। कल पीएम नरेंद्र मोदी रोजगार मेले की शुरुआत करेंगे, जिसमें 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का टारगेट है। प्रधानमंत्री 75,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे, जिनकी बहाली 38 मंत्रालयों और विभागों में की जाएगी। पीएम के रोजगार मेले से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र दिया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के रोजगार मेले पर तंज कसा और कहा कि बिहार सरकार के ऐलान के दबाव की वजह से केंद्र को नकल करना पड़ा। पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल के बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। हिंदू सेना ने पुलिस में शिकायत दी है और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इस बीच कांग्रेस ने पाटिल के बयान से पल्ला झाड़ लिया और उनके बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। साथ ही ये भी कहा कि भगवद गीता भारतीय सभ्यता का एक आधारभूत स्तंभ है। दरअसल कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिन किदवई की जीवनी पर आधारित किताब के विमोचन के मौके पर शिवराज पाटिल ने कहा था कि सिर्फ कुरान में ही नहीं गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन से जिहाद की बात करते हैं। पंजाब में भगवंत मान सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर दी। इसके अलावा कर्मचारियों को डीए में 6% बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम भगवंत मान ने इन फैसलों को कर्मचारियों के लिए दिवाली का तोहफा बताया। पंजाब सरकार के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने न्यू पेंशन स्कीम को नाइंसाफी बताया। वहीं विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों की वजह से ये फैसला लिया गया। सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। महिलाओं को हर महीने 1,000 रूपए का वादा पूरा नहीं किया। पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया। नोटिस में कहा गया कि पूर्व सीएम होने के नाते उन्हें दूसरा बंगला दिया जा सकता है, लेकिन वो सीएम के लिए तय बंगले में नहीं रह सकती। महबूबा का बंगला फेयरव्यू रेजिडेंस श्रीनगर के गुपकार रोड पर स्थित है। दिसंबर 2005 में ये बंगला महबूबा के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद को दिया गया था। इस बंगले के आसपास अधिकांश हाई प्रोफाइल नेता, नौकरशाह और अधिकारी रहते हैं। इसी बंगले में महबूबा को कई बार नजरबंद किया जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में मिलिट्री हेलीकॉप्टर रुद्र क्रैश हो गया। 2 पायलट समेत 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा टूटिंग हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर दूर सिंगिंग गांव के पास हुआ। जहां यह हादसा हुआ वो एरिया सड़क मार्ग से कनेक्टेड नहीं है। रुद्र सेना का अटैक हेलीकॉप्टर है। इसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय सेना के लिए बनाया है। पूरा देश दिवाली की उमंग में डूबने लगा है। धनतेरस से पहले बाजारों में भारी भीड़ नजर आ रही है। उधर राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां आखिरी चरण में हैं। सरयू किनारे दीप सजाए जा रहे हैं, झांकियां तैयार कर ली गई हैं, लेजर शो की भी पूरी तैयारी है। पूरे शहर में राम नाम के ध्वज और भगवान राम पर आधारित बैनर होर्डिंग लगाए गए हैं। छोटी दीपावली पर यानी 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी यहां दीपोत्सव कार्यक्रम में पहुंचेंगे। हम आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन कराएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज केदारनाथ और बद्रीनाथ के दौरे पर थे। वो केदारनाथ में करीब 2 घंटे रुके और बद्रीनाथ में करीब आधा घंटा तक रहे। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ के गर्भगृह में लगभग 20 मिनट तक पूजा अर्चना की। इसके बाद आदि शंकराचार्य की समाधि के दर्शन किए और प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की ये छठी केदारनाथ यात्रा थी। पहली बार वो 3 मई 2017 को केदारनाथ धाम गए थे और केदारनाथ त्रासदी के बाद प्रधानमंत्री लगातार वहां हो रहे पुनर्निर्माण के कामों पर नजर रखते हैं, सुपरविजन करते हैं। आप भी भविष्य में अगर केदारनाथ जाना चाहते हैं तो आपके लिए भी आज हमारे पास एक अच्छी खबर है और वो ये कि बहुत जल्द ही वहां पर रोप वे सर्विस शुरू होगी और ये रोप वे गौरीकुंड को केदारनाथ से जोड़ देगी, जिसका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। ये दूरी तय करने में फिलहाल करीब 6 घंटे का समय लगता है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पहुंचकर पिछली सरकारों पर हिंदू आस्था घरों की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने केदारनाथ में क्या बड़ी बड़ी बातें कही, हम आपको आज ये भी सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले उनके साथ आप केदारनाथ और बद्रीनाथ के ये दर्शन कीजिए शानदार तस्वीरों के जरिए, क्योंकि सच यही है
कि किसी और प्रधानमंत्री के केदारनाथ दर्शन की ऐसी तस्वीरें आपने इससे पहले शायद ही कभी देखी होंगी। इसलिए आज उनकी इस यात्रा के दौरान की जो सबसे शानदार तस्वीरें हैं वो हमने आपके लिए निकाली हैं, आप देखिए। नमामि शंभो, नमामि शंभो, नमामि शंभो, नमामि शंभो, नमामि कारुण्याकरांधवस्य स्वस्तेना कोखा विश्वावेदाः तेजपुष्टिसरं दिव्यमग्रसरं चंद्रशेखरः ओम नमस्ते रुद्रमण्डलो तोतयघवे नमः केदारनाथ जिनकी हमेशा पूजा करते हैं उन्हीं अद्वितीय कल्याणकारी केदारनाथ नामक शिव की मैं स्तुति करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि योगी के स्तुति करने के लिए पूजा अर्चना करने के लिए धाम में पहुंचे, उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की, भगवान शंकर के वाहन नंदी को प्रणाम करते हुए और विधिवत परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की। एक जननायक के रूप में, एक कर्तव्य परायण प्रधानमंत्री के रूप में, एक धर्म परायण राष्ट्र सेवक के रूप में कि प्रायः क्षीर सागर में भगवान विष्णु की मूर्ति, कि चाहे वो केदारनाथ का मंदिर हो या बद्रीनाथ का मंदिर हो, जिसकी स्थापना में बद्री विशाल की यह उपस्थिति पंजिका है। यहाँ जो लोग आते हैं अपने आए थे और उन्होंने अपने विचार भी पुस्तक में व्यक्त किए थे, प्रधानमंत्री इसमें मंदिर के सम्मुख उमड़े जनसमूह के का अभिनव अभिवादन करते हुए बद्री विशाल के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन, अपनी भक्ति का प्रवाह। प्रधानमंत्री मोदी जब केदारनाथ पहुंचे तो उनकी एक खास पोशाक एक बार फिर से पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। प्रधानमंत्री ने सिर पर हिमाचली टोपी पहनी हुई थी आज, और जिस सफेद पोशाक में वो दिखाई दे रहे थे वो हिमाचल प्रदेश की एक खास पारंपरिक पोशाक मानी जाती है, जिसे चोला डोरा कहा जाता है। चोला डोरा पोशाक को भेड़ की ऊन से तैयार किया जाता है और ये पोशाक बहुत गर्म होती है। पिछले 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार के लिए चंबा गए थे। इस दौरान स्थानीय विधायक ने वहां पर उन्हें ये पोशाक तोहफे में दी थी, और चंबा जिले के भरमौर इलाके में गद्दी और नाथ संप्रदाय को मानने वाले लोग बड़ी संख्या में रहते हैं और उनके यहाँ भगवान शिव की विशेष पूजा के दौरान यही परिधान पहना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के परिधान पर पीठ की तरफ स्वास्तिक का एक निशान बना हुआ था, जिसके बारे में भी आज तमाम लोग बातचीत कर रहे थे। स्वास्तिक का अर्थ है शुभ या सौभाग्य, और हिंदू धर्म में स्वास्तिक चिन्ह शुभ बात का प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक चिन्ह को हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के घरों के बाहर और मंदिरों में भी आपने बहुत बार देखा होगा, और स्वास्तिक चिन्ह लोगों और विश्व कल्याण के विकास के लिए बनाया जाने वाला अति प्राचीन धार्मिक चिन्ह है। तो आज ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, उनकी पोशाक की, ये तस्वीर आज दिन भर चर्चा का विषय रही। जिस स्वास्तिक के चिन्ह की हम बात कर रहे थे वो देखिए उनकी पीठ पर आपको नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के बार बार केदारनाथ धाम जाने के कई संकेत हैं, कई मायने हैं। एक तो यह है कि वो शिव के भक्त हैं, भगवान शिव के, ये बात तो वो कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं, लेकिन इसके अलावा उन्होंने ये भी
कई बार बताने की कोशिश की है कि वो दूसरे नेताओं की तरह सिर्फ विकास की बातें कहने या घोषणाएं करने में यकीन नहीं करते। वो केदारनाथ त्रासदी के बाद वहां हो रहे पुनर्निर्माण के कामों पर न केवल वर्चुअली यानी दूर बैठकर नजर रखते हैं, बल्कि खुद वहां पहुंचकर भी वहां जो काम चल रहे हैं पुनर्निर्माण के, उनका सुपरविजन करते हैं, उन्हें जाकर देखते हैं, ताकि वहां पर जो सरकारी अधिकारी हैं वो जो काम कर रहे हैं पुनर्निर्माण का अलग अलग योजनाओं पर, वो किसी भी तरह की ढिलाई न बरतें। इसके अलावा प्रधानमंत्री का साफ संकेत ये भी है कि उन्हें अपनी आस्था के सार्वजनिक प्रदर्शन से कोई परहेज नहीं है। एक तरह से ये देश के 100 करोड़ हिंदुओं को एक मैसेज है कि वो कई नेताओं की तरह या पुराने प्रधानमंत्रियों की तरह सिर्फ धर्म निरपेक्ष दिखने के लिए अपनी आस्था नहीं छोड़ सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने आज साफ साफ ये भी कहा कि पिछली सरकारों ने आम लोगों के धर्म स्थलों तक पहुंचने का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा और ये बात उनके साथ एक अन्याय की तरह थी। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के निर्माण के समय क्या हुआ था वो हम सब जानते हैं। इसके बाद राम मंदिर के निर्माण के समय इतिहास से भी हम भलीभांति परिचित है। गुलामी की ऐसी मानसिकता ने हमारे पूजनीय पवित्र आस्था स्थलों को जर्जर स्थिति में ला दिया था। सैकड़ों वर्षों से मौसम की मार सहते आ रहे पत्थर, मंदिर स्थल, पूजा स्थल के जाने के मार्ग, वहां पर पानी की व्यवस्था और उसकी तबाही, सब कुछ तबाह होकर के रख दिया गया था। आप याद करिए साथियों, दशकों तक हमारे आध्यात्मिक केंद्रों की स्थिति ऐसी रही, वहां की यात्रा जीवन की सबसे कठिन यात्रा बन जाती थी। जिसके प्रति कोटि कोटि लोगों की श्रद्धा हो, हजारों साल से श्रद्धा हो, जीवन का एक सपना हो कि उस धाम में जाकर के मत्था टेक के आएंगे, लेकिन सरकारें ऐसी रही कि अपने ही नागरिकों को वहां तक जाने की सुविधा करने का उनको जरूरी नहीं लगा। पता नहीं कौन सी गुलामी की मानसिकता ने उनको जकड़ के रखा था। यह अन्याय था कि नहीं था भाइयों? यह अन्याय था कि नहीं था? ये जवाब आपका नहीं है, ये जवाब 130 करोड़ देशवासियों का है। और आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए ईश्वर ने मुझे काम दिया है। प्रधानमंत्री मोदी आज माणा गांव भी गए और वो जिस समय माणा गांव में पहुंचे तब वहां का तापमान लगभग 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच था। मतलब बहुत ठंड थी, बहुत सर्दी थी उस समय, और वो आपके उन परिधानों से भी आपको समझ में आया होगा। और भारत और चीन की सीमा पर बसे इस आखिरी गांव से, आपको याद होगा हमने कल आपको एक बहुत ही विशेष रिपोर्ट दिखाई थी, यहां पर एक चाय की दुकान भी है जिसे कहते हैं कि यह भारत की आखिरी चाय की दुकान है। और हमने आपसे कहा था कि आप जब कभी उस तरफ जाएं तो भारत की इस आखिरी चाय की दुकान पर चाय की एक चुस्की जरूर लीजिएगा, चाय जरूर पीजिएगा। प्रधानमंत्री ने यहां आज आकर एक जनसभा की और इस जनसभा में उन्होंने माणा से जुड़ी 25 साल पुरानी अपनी यादें भी लोगों के साथ शेयर की। उन्होंने कहा कि 25 साल पहले जब उन्होंने यहां एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी थी तो कई बीजेपी कार्यकर्ता इसलिए नाराज हो गए थे कि इतनी दूर आखिर कौन जाएगा और कैसे वहां तक पहुंचेंगे। बहुत सारे कार्यकर्ता इस बात से ही नाराज हो गए, लेकिन आज माणा पहुंचना बहुत आसान है। प्रधानमंत्री ने चीन की सीमा पर खड़े होकर चीन को भी ये संदेश देने की कोशिश की कि भारत अपनी सीमा पर बसे आखिरी गांवों के विकास का पूरा ख्याल रखेगा, उन्हें पूरा महत्व देगा, वहां के लोगों को पूरा महत्व देगा, ताकि चीन की जो चाल है वो कभी कामयाब ना हो पाए। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बड़ा ऐलान किया, ये एक बहुत बड़ा बदलाव भी है। आज उन्होंने कहा कि भारत की सीमा पर बसे जो इस तरह के आखिरी गांव हैं उन्हें अब आखिरी गांव ना कहा जाए, बल्कि अब उन्हें भारत का पहला गांव कहा जाएगा। माणा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की, अब तो मेरे लिए भी सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। तो आज आपने खास ये भी बात नोट की होगी कि जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए, आज
उन्होंने उस इलाके की जो महिलाएं थीं वो खास तौर पर उनसे मिले और महिलाएं जो काम कर रही हैं वहां पर उसकी भी प्रधानमंत्री ने काफ़ी तारीफ की। आपने तस्वीरों में देखा होगा, अगर अभी आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में महिलाएं उन्हें देखने के लिए आई थीं, बड़ी संख्या में महिलाएं उन्हें सुनने के लिए आई थीं और प्रधानमंत्री मोदी ने वहां की महिलाओं की बहुत तारीफ की। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा, हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। हमारा आपसे एक सवाल है, क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली अस्थाई सरकार कब बनी थी और इसका गठन किसने किया था? ज्यादातर इतिहास की किताबों में आपको यही पढ़ाया गया है, बताया गया है कि भारत की पहली अस्थाई सरकार का गठन आजादी से 347 दिन पहले 2 सितंबर 1946 को हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस सरकार के प्रधानमंत्री थे। लेकिन अगर आज हम आपसे ये कहें कि ये जानकारी पूरी तरह से सही नहीं है तो शायद आपको हैरानी होगी। आज का दिन बहुत खास है, बहुत ऐतिहासिक है और दिवाली से ठीक पहले ये दिन पड़ रहा है, इसलिए इस दिवाली पर आपको भारत के सच्चे सपूतों को भी श्रद्धांजलि देनी चाहिए और उनमें सबसे बड़ा नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। सच्चाई ये है कि आज़ादी से 4 साल पहले आज ही के दिन वर्ष 1943 में भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई गई थी और इस सरकार का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में खुद किया था। यानी सुभाष बाबू भारत के पहले नेचुरल प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने देश की आजादी में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी उपलब्धियों और उनके बलिदान को हमारे देश में वो स्थान नहीं मिला, वो सम्मान नहीं मिला जो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं को दिया गया। नेताजी अपने दौर के नेताओं से इसलिए अलग थे क्योंकि उन्हें सिर्फ आजादी का लालच था, वो सिर्फ आजादी चाहते थे, जबकि उस दौर के बहुत सारे नेताओं को आजादी के साथ आजादी के बाद मिलने वाली सत्ता का लालच था। वर्ष 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू समेत कई नेताओं का यह मानना था कि भारत को इस युद्ध में अंग्रेजों के प्रति आक्रामक नहीं होना चाहिए बल्कि अंग्रेजों का साथ देना चाहिए और अगर अंग्रेज हमसे खुश हो गए तो फिर अंग्रेज खुश होकर भीख में हमें आजादी दे देंगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस अकेले ऐसे नेता थे जो लगातार ये बात कह रहे थे कि भारत को इस विश्व युद्ध का फायदा उठाकर अंग्रेजों से आजादी हासिल करनी चाहिए, छीन लेनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज इस समय दबाव में है, वो विश्व युद्ध लड़ रहे हैं और ऐसे में उन्हें दबाने का बड़ा अच्छा मौका है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों में इतनी ताकत थी कि वो ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी में महात्मा गांधी से ज्यादा लोकप्रिय हो गए बल्कि देश में भी बच्चा बच्चा ये कहने लगा कि उन्हें बोस चाहिए और बोस को आजादी चाहिए। उनकी जबरदस्त लोकप्रियता की वजह से ही महात्मा गांधी और पंडित नेहरू ने उन्हें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, तमाम रणनीतियां अपनाई, लेकिन जब सुभाष बाबू कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जीत गए महात्मा गांधी के ना चाहते हुए भी, तो इस जीत ने महात्मा गांधी और नेहरू को हताश कर दिया। हालांकि बाद में जब नेताजी को पार्टी में कोई सहयोग नहीं मिला और उन्हें ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस अध्यक्ष रहकर वो भारत को आजाद नहीं करा पाएंगे तो उन्होंने फिर खुद ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जरा भी संकोच नहीं किया और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की अपनी अलग पार्टी बना ली, क्योंकि उनकी विचारधारा महात्मा गांधी से और जवाहरलाल नेहरू से बिल्कुल अलग थी। वो आजादी को छीन कर लेना चाहते थे, भीख में नहीं लेना चाहते थे। इस इस्तीफे के बाद सुभाष चंद्र बोस की हिम्मत को तोड़ने की बहुत कोशिशें हुई और वर्ष 1940 में उन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने हाउस अरेस्ट भी कर लिया, लेकिन नेताजी इस कैद से किसी तरह से आजाद हो गए, भाग गए वहां से और वो अंग्रेजों से छिपकर जर्मनी के एक शहर बर्लिन पहुंचे जहां उन्होंने युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग ली और इस सब के बीच उनके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी में थे तब आजाद हिंद फौज के संस्थापक राम बिहारी बोस ने उन्हें सिंगापुर आने का निमंत्रण भेजा और नेताजी ने इसे स्वीकार कर लिया।
ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर जो आप अभी देख रहे हैं, ये 13 जून 1943 की है, जब सुभाष चंद्र बोस पहली बार सिंगापुर पहुंचे। और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि वहां उनका कितना जबरदस्त स्वागत हुआ। सिंगापुर पहुंचने के बाद नेताजी को आजाद हिंद फौज का प्रमुख चुन लिया गया और इसके बाद उन्होंने 21 अक्टूबर यानी आज ही के दिन 1943 में भारत की पहली निर्वासित सरकार का गठन किया। और तब उन्होंने इस सरकार को एक बहुत ही खास नाम दिया था और यह नाम था अर्जी हुकूमत आजाद हिंद। उसी जमाने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यह वाकई में आज का सबसे खास ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण है, जिसमें तस्वीरें भी ब्लैक एंड व्हाइट है। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस खुद प्रधानमंत्री थे और उसके साथ साथ वो विदेश मंत्री और युद्ध मंत्री भी थे। और बड़ी बात यह है कि सरकार को दुनिया के 12 देशों ने अपनी मान्यता दी थी, जिनमें जर्मनी, इटली, जापान, इंडोनेशिया और बर्मा जैसे देश थे। और सोवियत संघ ने भी इस सरकार को अपनी मान्यता दी थी और सोवियत संघ उस समय 15 देशों का एक समूह था। इन सब ने मान्यता दे दी थी। कितनी बड़ी बात है ये। नेताजी ने सिर्फ आजाद हिंद फौज और भारत की पहली निर्वासित सरकार का गठन नहीं किया, बल्कि उन्होंने भारत के पहले बैंक की नींव रखी, जिसे राष्ट्रीय आजाद बैंक कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने अपनी खुद की अलग करेंसी यानी मुद्रा का निर्माण किया और अपना एक खुफिया विभाग भी बनाया। और इनकी कोशिशों का यह नतीजा था कि दिसंबर 1943 में आजाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद भी करा लिया था। यानी यह भारत का पहला ऐसा भूभाग था, भारत की पहली ऐसी जमीन थी जहां सबसे पहले आजादी आई थी। और यह आजादी लेकर आए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इस आजादी के सूत्रधार वही थे। और उन्होंने 30 दिसंबर 1943 को वहां अपना झंडा भी फहराया था। यह ऐतिहासिक क्षण था। नोट करने वाली बात यह है कि जब नेताजी इतना सब कुछ कर रहे थे, तब गुलाम भारत में एक अलग तरह का माहौल था। उस समय महात्मा गांधी भारत छोड़ो नाम का एक आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ चला रहे थे और उन्हें अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। उनके अलावा जवाहरलाल नेहरू भी 1942 से 1945 तक महाराष्ट्र के अहमदनगर किले में बंद थे। हालांकि ये कैद उनके लिए कैद जैसी नहीं थी, वो यहाँ पर तमाम सुविधाओं के साथ रह रहे थे। उन्हें अखबार और किताबें पढ़ने की पूरी छूट थी, उनके लिए किताबें आती थी, अखबार आते थे। इस किले में बागवानी करने के लिए उन्हें खास उनके इंतजाम किए गए, बागवानी करने के लिए खास औजार दिए गए ताकि उनका मन लगा रहे, उनका टाइम पास होता रहे। अब आप खुद सोचिए, इस देश को आज़ादी सही मायने में किसने दिलाई? नेहरू ने, जो एक ऐसे किले में बंद थे जहां उनके लिए तमाम सुविधाएं थी, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, जो आज़ाद हिंद फौज के साथ अंग्रेजों से लड़ भी रहे थे और निर्वासित सरकार बनाकर भारत की स्वतंत्रता का ऐलान भी कर चुके थे? सबसे बड़ी बात जो है नाइंसाफी, वो ये है कि दुनिया के इतने सारे देशों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मान्यता दे दी, उन्हें भारत का प्रधानमंत्री मान लिया, उनकी सरकार को मान्यता दे दी, लेकिन हमने आजाद होने के बाद कभी भी उन्हें मान्यता नहीं दी, उस सरकार को मान्यता नहीं दी। हमने कभी भी आजादी के बाद उन्हें भारत का पहला प्रधानमंत्री नहीं माना। सच्चाई यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले नेचुरल प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने 43,000 सैनिकों के साथ आजाद हिंद फौज का उस समय नेतृत्व किया। और जब इस फौज के सैनिकों पर भारत में अंग्रेजी सरकार ने मुकदमा चलाया, तो वर्ष 1946 में रॉयल इंडियन नेवी में एक ऐसी बगावत हुई जिसने अंग्रेजों को यह कहने पर मजबूर कर दिया कि वो भारत को आजाद करने के लिए अब तैयार है। यानी नेताजी भारत के लोगों को एक ऐसा राष्ट्रवाद देकर गए जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। लेकिन दुर्भाग्यवश ये सारी बातें आज आपको इतिहास की किताबों में शायद नहीं मिलेंगी। और यही बात आज हम आपको समझा रहे हैं, यही बात आपको समझनी है। और नेताजी जो राष्ट्रवाद छोड़कर गए थे, वही राष्ट्रवाद आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नेताजी ने 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में एक राष्ट्रवादी भाषण दिया था, जिसके कुछ अंश आज हमने आपके लिए निकाले हैं, आप भी सुनिए। हमें अपना खून बहाना है, हमें कुर्बानी उठाना है, सब रुकावटें का सामना करना है, आप इनमें कामयाब होंगे। इस रास्ते में हम क्या देखते हैं? हम सब गुलाम हैं, हमारे हाथ में हाथ है क्या? हमारे रास्ते में आएगी भूख,
प्यार तकलीफें दीपते मौत। कोई नहीं कह सकता है जिन लोग इस जंग में शरीक होंगे उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा होकर। कोई बात नहीं है हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात कोई सही बात यह है, आम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, इन्हों तनाजा होगा। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाकई भारत के पहले प्रधानमंत्री बन जाते और कुछ वर्षों तक या कुछ दशकों तक उन्होंने भारत की सरकार को चलाया होता। भारत जब आजाद हुआ तब नीति निर्धारण करने की आजादी उनके पास रही होती, ताकत उनके पास रही होती, तो आज भारत कितना अलग देश होता। और आज जब आजादी की बात हो ही रही है तो हम आपको ब्रिटेन के बारे में भी कुछ बताना चाहते हैं। ब्रिटेन वही देश है जिसने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक राज किया, और एक जमाने में अंग्रेज ये कहते थे कि भारत की राजनीति और भारत के लोग ब्रिटेन के बिना कभी पनप नहीं सकते। लेकिन आज 75 वर्षों के बाद भारत हर मामले में ब्रिटेन से कहीं ज्यादा स्थिर और शक्तिशाली है। वर्ष 1947 में जब ब्रिटेन की संसद में भारत की स्वतंत्रता पर, भारत को आजाद करने पर बहस कराने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया, तब ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारत को लेकर एक भाषण दिया था, और इसमें उन्होंने क्या कहा था आप आज सुनिए। चर्चिल ने तब कहा, अगर आज भारत जैसे देश को आजादी दे दी जाती है तो इससे इस देश की सत्ता ऐसे लोगों के हाथों में चली जाएगी जो पापी, बदमाश और लुटेरे होंगे। भारत के नेताओं के पास शासन करने की क्षमता नहीं होगी और वो किसी भूसे के समान होंगे। ये तमाम नेता मीठी जुबान और मूर्ख दिल वाले होंगे जो सत्ता के लिए आपस में लड़ेंगे, और इस झगड़े में एक दिन भारत पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, और इसके बाद एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में हवा और पानी पर भी टैक्स लगेगा। ये विंस्टन चर्चिल के शब्द हैं 1947 के। लेकिन आजादी के 75 वर्ष बाद समय के चक्र ने देखिए कैसे स्थिति को पलटा है। समय इसीलिए कहते हैं बड़ा बलवान होता है। आज ब्रिटेन में वैसे ही राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता है जैसी चर्चिल ने भारत के लिए कल्पना की थी। जो चर्चिल ने भारत के लिए सोचा था वो आज ब्रिटेन में हो रहा है। पिछले 6 वर्षों में ब्रिटेन में 4 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, अब 5वें प्रधानमंत्री की तलाश वहां चल रही है, और आपने देखा होगा कल ही उनकी प्रधानमंत्री ने सिर्फ 44 दिन के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। जबकि भारत में आज राजनीतिक स्थिरता पूरी तरह है, और भारत का लोकतंत्र भी दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है। भारत में पिछले 8 वर्षों से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनकी स्थिर सरकार है। उनसे पहले 10 साल तक देश में यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जैसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री थे। यानी भारत में राजनीतिक अस्थिरता बिल्कुल नहीं है। इसी तरह ब्रिटेन के मुकाबले आज भारत की अर्थव्यवस्था कहीं ज्यादा मजबूत है। हाल ही में हमारा देश ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज भारत की अर्थव्यवस्था 273 लाख करोड़ की है, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 257 लाख करोड़ की है। यानी इस मामले में भी हमने 75 वर्षों में ब्रिटेन को पीछे कर दिया। राजनीतिक स्थिरता के मामले में हम उनसे आगे हैं, लोकतंत्र के मामले में उनसे आगे हैं, लोकतंत्र की मजबूती के मामले में, अर्थव्यवस्था में उनसे आगे हैं। वर्ष 1980 के बाद ब्रिटेन में पहली बार महंगाई दर 11% के स्तर पर पहुंची है, जबकि भारत में महंगाई दर आज भी लगभग 7% है, ब्रिटेन से तो बहुत कम है। एक और स्टडी के मुताबिक ब्रिटेन में महंगाई की वजह से वहां की 50% आबादी अब एक समय का खाना छोड़ चुकी है क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है, जबकि भारत की सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को पिछले 2 वर्षों से कोविड के बाद से घर बैठे मुफ्त अनाज दे रही है। रशिया द्वारा गैस सप्लाई पर रोक लगाए जाने से आज ब्रिटेन में बिजली का बहुत बड़ा संकट है। वहां बिजली के बिल 80% तक महंगे हो चुके हैं, बिजली बहुत महंगी है, ना तो बिजली उपलब्ध है और जो उपलब्ध है वो बहुत महंगी है। इस वजह से वहां 2-2 परिवार एक मकान में रह रहे हैं, फिर भी वहां लोगों के लिए बिजली का बिल भरना मुश्किल है, जबकि भारत में बिजली का ऐसा कोई संकट नहीं। अगर आज भारत के आप दूर दराज इलाके में किसी छोटे से गांव में भी चले जाएंगे वहां पर भी आपको आसानी से बिजली मिलेगी, और वहां पर रहने वाले लोगों पर भी बिजली का बिल देने का ऐसा कोई दबाव नहीं। इसके अलावा ब्रिटेन में कुछ समय पहले कच्चे तेल का संकट इतना गंभीर हुआ कि वहां पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल को लेकर ऐसा कोई संकट नहीं आया। महंगा जरूर हुआ लेकिन संकट कभी नहीं आया। एक दिन भी आपको ऐसा नहीं मिला होगा जब आपको ये पता चले कि आज आपको पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। जिस ब्रिटेन का को ऐसा लगता था कि भारत आजादी के बाद बर्बाद हो जाएगा, टूट जाएगा,
हमारे देश में लोकतंत्र वाला प्रयोग कभी सफल नहीं होगा। आज वही ब्रिटेन राजनीति से लेकर आर्थिक और सामाजिक सभी मोर्चों पर संघर्ष कर रहा है। ये ब्रिटेन के वो लोग हैं जो एशिया के देशों पर और अफ्रीका के देशों पर अक्सर चिंता जाहिर करते थे। आपने देखा होगा उनके जो यूरोप के जो बड़े बड़े देश हैं ब्रिटेन जैसे, ये एशिया के देशों को बहुत छोटा समझते हैं, अफ्रीका के देशों को बहुत छोटा समझते हैं। और अक्सर जब एशिया या अफ्रीका में कहीं भी कोई राजनीतिक अस्थिरता आती है, कहीं कोई संकट आता है, तो ये सबसे पहले ये बयान देते हैं और कहते हैं कि हम फलाने देश को लेकर बहुत चिंतित हैं, और अगर वो देश परमाणु शक्ति वाला देश होता है तो उनकी चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक दिन ऐसा आएगा, आप देखिएगा, जब एशिया के देश और अफ्रीका के देश उल्टा बयान देने लगेंगे और वो कहेंगे कि एशिया और अफ्रीका के देशों ने एक पश्चिमी देश ब्रिटेन की राजनीतिक अस्थिरता और संकट पर चिंता जताई है, ब्रिटेन एक न्यूक्लियर पावर्ड देश है इसलिए उस पर नज़र रखना ज़रूरी है, और इस कारण से खास तौर पर ये जो दो कॉन्टिनेंट्स के जो देश हैं, भारत जैसे देश हैं, हमें उनके बारे में भी ऐसी बात बोलने का मौका कभी आ सकता है। 24 अक्टूबर को दिवाली है, आप सब जानते हैं, उससे पहले बाजारों में बहुत रौनक है, आपने पहले से ही अभी शॉपिंग करनी शुरू की होगी। ये पहली बार है जब चीन में बने सामान के प्रति लोगों की दिलचस्पी बहुत कम हो गई है, और इस बार लोग चीन में बने सामान की बजाय भारत में बने स्वदेशी सामान पर ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। आज हम आपको देश के अलग अलग शहरों से आई ये रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें हम आपको आज ये बता रहे हैं कि इस बार दिवाली पर लोग चीन में बने सामान से ज्यादा भारत में बने सामान को खरीद रहे हैं, और ये भारत के समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव है। इंडियन की ज्यादा आ रही है, इंडियन 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 इंडियन। और चाइनीज कौन कौन सी है? चाइनीज में ये है, बाकी इस बार चाइना का माल आया ही नहीं है ज्यादा। इस बार हम लोगों ने सोचा है कि चाइनीज सामान का बहिष्कार करेंगे और अपने जो इंडियन कंपनी है उनको प्रमोट करना चाहेंगे। चाइनीज लाइट जो है वो काफ़ी बेस्ट रहती है, और रीज़न ये है कि वो कम रेट में काफ़ी ज़्यादा फिट क्वांटिटी में मिल जाती है। चाइनीज के फटाके हमेशा बंदी हो जाए, इंडियन फटाका रहेगा, इंडिया का पैसा इंडिया में रहेगा और व्यापार बढ़ता रहेगा, लोगों का बहुत अच्छा रहेगा सर। इंडियन फटाकों को, चाइनीज फटाकों को नहीं खरीदना चाहते। इंडियन ही पसंद है मेरी तो सर, इंडियन ही पसंद है, चाइनीज क्या इंडिया नहीं है। चाइनीज लाइट तो और ज्यादा ही एक पिकअप धर रहा है, ठीक है। और मोमबत्ती और प्रदीप का जो डिमांड है वो कमता दिख रहा है? नहीं नहीं, थोड़ा कम तो नहीं, थोड़ा कम हुआ है लेकिन उतना कम नहीं है। दिवाली हमारा इंडियन फेस्टिवल है तो मुझे लगता है वी शुड बाय लोकल, एंड लोकल आर्टिजन्स को हमें बढ़ावा देना चाहिए। और चाइनीज पड़ाकों का जनता का रुझान खत्म हो गया, अब जनता चाइनीज पड़ाके नहीं खरीद रही। टोटल इंडियन आइटम है, इंडियन है जी, और चाइनीज पटाखे हम लोग रखते नहीं, पूरी मार्केट में। या हम लोग चाइनीज ना पटाखे बिकते ना देसी पटाखे बिकते हैं, जो भी माल आपको मिलेगा तो शिवाकाशी का ही मिलेगा, तमिलनाडु का नहीं। हम तो इंडियन देसी चाइनीज पटाखे यूज करते हैं, इंडियन यूज कर रहे हैं। चाइनीज एक भी नहीं मिल रहा है, कहीं भी नहीं मिल रहा है, और मुर्गा ही ले रहा है इस पर, जो इंडिया में बने वही लेंगे, बस वही ले रहे हैं बस। आपको याद होगा गलवान की हिंसक झड़प के बाद भारत ने जो चीन की कंपनी है और चीन के बने सामानों के खिलाफ एक नया अभियान छेड़ दिया था। सरकार ने तो छेड़ा ही था लेकिन भारत के लोगों ने भी एकजुटता दिखाई और चीन में बने सामान का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। उसके बाद कोविड आ गया और कोविड में आप जानते ही हैं कि दिवाली मनी नहीं। इस बार 2 साल के बाद पहली बार आपको दिवाली पर इतनी रौनक दिखाई दे रही है, पहली बार पिछले 2 सालों में, ऐसा 3 साल में आप मान लीजिए कि दिवाली पर इतनी रौनक है, लोग खुलकर बाहर जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, सड़कों पर निकले हुए हैं, और सड़कों पर जब निकले हैं तो ऐसे निकले हैं कि सड़क पर अब आपको चलने की जगह नहीं मिलेगी। आज आपको दिल्ली और गुड़गांव के बीच एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, गाड़ियों की हालत देखिए किस तरह दिल्ली में सड़कें जैम हो गई हैं, आप ये तस्वीरें देखिए। Thank you.
दिवाली तो अभी एक दो दिन के बाद है, सोमवार को है, लेकिन हम अभी से आपको दिवाली की शुभकामनाएं भी देते हैं और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि दिवाली मनाइए, धूमधाम से मनाइए। कोविड के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब देश में इतनी रौनक देखने को मिल रही है, पहली बार आपको कोविड का डर नहीं है। ज़रा अपने पड़ोसी को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, जहां एक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को वहां के चुनाव आयोग ने एक तरह से चोर साबित कर दिया है। और ये नेता आप जानते हैं, जाने माने नेता हैं इमरान खान, फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं, और ये पाकिस्तान के जब प्रधानमंत्री थे उस समय इन पर आरोप लगा है कि प्रधानमंत्री रहते हुए जब इन्हें बाहर से तोहफे मिलते थे, उन पर इमरान खान पर यह आरोप है कि जब इन्हें बाहर से तोहफे मिलते थे, उन्हें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रहते हुए विदेश यात्राओं के दौरान दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बेशकीमती तोहफे मिला करते थे, उन तोहफों को उन्होंने सरकारी तोशे खाने में जमा कराने की बजाय बेच दिया। इन गिफ्ट्स को उन्होंने बाहर जाकर बेच दिया और सारा पैसा इन तोहफों को बेचकर अपनी जेब में रख लिया। ये मामला जब पाकिस्तान के चुनाव आयोग के पास पहुंचा तो इस पर काफी लंबी बहस हुई और आज चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुनाया कि इमरान खान ने असल में सरकारी तोशे खानों से इन तोहफों की चोरी की है और ये चोरी लाखों में नहीं है, करोड़ों में है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग के मुताबिक इमरान खान ने ये तोहफे बेचकर कुल मिलाकर 5,80,00,000 रुपए की रकम जुटाई और इस पैसे का उन्होंने अपनी आय में कहीं भी जिक्र नहीं किया। इससे भी बड़ी बात यह कि इस भ्रष्टाचार और बेईमानी के लिए उन्हें चुनाव आयोग ने बहुत कड़ी सजा दी है और इसके तहत इमरान खान की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है और उनके अगले 5 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर या कोई भी संवैधानिक पद लेने पर रोक लगा दी गई है। यानी अगर यह फैसला लागू रहता है तो 70 साल के इमरान खान अब 75 साल की उम्र तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और इस बात से उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है, काफी गुस्सा है। आज जब यह फैसला आया तो उसके बाद इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस्लामाबाद में चुनाव आयोग के दफ्तर पर हमला बोल दिया और इस दौरान वहां कुछ लोगों ने हवाई फायरिंग भी की। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने इस्लामाबाद के मुख्य हाईवे को जैम कर दिया, बंद कर दिया, जिसके बाद पुलिस को वहां पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस फैसले के बाद पाकिस्तान की सरकार इमरान खान को चोर बता रही है, लेकिन इमरान खान ने कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ अदालत में अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इमरान खान खुद ये मानते हैं कि उन्होंने सरकारी तोशे खाने में जमा इन तोहफों को बेचकर लगभग 6,00,00,000 रुपए की रकम जुटाई, लेकिन इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि उन्होंने ये सारे गिफ्ट्स यानी ये सारे तोहफे नियमों के तहत सरकारी तोशे खाने से खरीदे थे। फिलहाल पाकिस्तान में यह नियम है कि वहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले व्यक्ति को विदेश यात्राओं के दौरान जो तोहफे मिलते हैं उनकी जानकारी नेशनल आर्काइव्स को दी जाती है। हालांकि अगर किसी तोहफे की कीमत 10,000 रुपए से कम है तो उस तोहफे को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बिना किसी को जानकारी दिए अपने पास रख सकते हैं, लेकिन अगर कीमत इससे ज्यादा है तो उन्हें उस तोहफे की कीमत का 20% हिस्सा सरकारी खजाने में जमा कराना होता है और इसके बाद वो तोहफा उनका हो जाता है, यानी आपको 80% डिस्काउंट पर वो तोहफा मिल जाता है। और इमरान खान ये कह रहे हैं कि उन्होंने भी ये सारे तोहफे 80% डिस्काउंट पर खरीद लिए थे वापस, यानी उस तोहफे की 20% कीमत जमा कराई और उसके बाद ये तोहफे ले लिए, खरीद लिए और बाद में इन्हें मोटे पैसे पर आगे बेच दिया। उन्होंने सरकारी तोशे खाने से कुल 2,15,00,000 रुपए के गिफ्ट्स खरीदे और जब ये गिफ्ट्स उनके हो गए तो उन्होंने इन्हीं तोहफों को 6,00,00,000 रुपए में बेच दिया। देखिए कितना अच्छा बिजनेस है। इमरान खान और उनकी पार्टी इस फैसले के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र बता रही है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे वहां की सेना हो सकती है, क्योंकि आपको याद होगा जो उनकी पार्टी है पीटीआई वो अभी भी पाकिस्तान में काफी लोकप्रिय है।
अभी हाल ही में उपचुनाव हुए थे पाकिस्तान में, उनमें भी पीटीआई ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी और इमरान खान की लोकप्रियता सेना की तमाम कोशिशों के बावजूद, नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ की कोशिशों के बावजूद कम नहीं हो रही है। और इमरान खान को यह ऐसा लगता था कि जब देश में चुनाव होंगे तो वो दोबारा प्रधानमंत्री बन सकते हैं, दोबारा उनकी पार्टी सत्ता में आ सकती है। और इसी बात को रोकने के लिए कि कहीं ये दोबारा प्रधानमंत्री ना बन जाएं, उन्होंने 5 साल के लिए ही उन पर ये बैन लगा दिया है, ऐसा इमरान खान के समर्थकों का आरोप है। अब इस घटना से दो बातें समझ में आती है। पहली बात यह कि अगर एक नेता प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अपने राजकीय तोहफों को बेच रहा है तो इससे आपको पाकिस्तान का असली चरित्र समझ में आता है। और दूसरी बात, पाकिस्तान में अब भी बदले की राजनीति ही चल रही है जो वहां शुरू से चल रही है जब से वो आजाद हुआ है। वहां हर बार सत्ता परिवर्तन के बाद 3 बातें होती हैं। पहला, या तो प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए नेता की राजनीतिक हत्या हो जाती है, दूसरा, जैसे ही प्रधानमंत्री पद से वो नेता हटता है उसके खिलाफ कानूनी मुकदमे दर्ज करके जेल में डाल दिया जाता है, और तीसरा, या फिर वो नेता खुद ही देश छोड़कर भाग जाता है। उदाहरण के लिए 1998 में नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान की सेना का प्रमुख नियुक्त किया, लेकिन इसके बाद परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट करके उनकी सरकार गिरा दी और नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया। उस समय नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार और अपहरण के मामलों में फांसी की सजा हुई, लेकिन सऊदी अरब के दखल के बाद सजा माफ हो गई और नवाज शरीफ को देश निकालने का फैसला दिया गया। इसके बाद वर्ष 2013 में नवाज शरीफ फिर से सत्ता में आए तो उन्होंने यही सलूक परवेज मुशर्रफ के साथ किया और उन्हें पाकिस्तान के संविधान को समाप्त करने के लिए जेल में डाल दिया, और इस मामले में तब परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा दी और जो बाद में माफ हो गई, लेकिन परवेज मुशर्रफ को देश छोड़कर भागना पड़ा। आज भी परवेज मुशर्रफ दुबई में रहते हैं। ऐसे ही जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खिलाफ नए नए मुकदमे डाल दिए, नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया, और नवाज शरीफ ने किसी तरीके से अपनी बीमारी का बहाना लगाकर वो किसी तरीके से वहां से भागे और फिर लंदन में चले गए और दोबारा वापस नहीं लौटे। इस समय पाकिस्तान के दो पूर्व जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ, दोनों इसी तरह भागे हुए हैं, और एक लंदन में रह रहे हैं और एक दुबई में रह रहे हैं, और वहां यही होता है। अब इमरान खान ने जो नवाज शरीफ के साथ किया, अब नवाज शरीफ की पार्टी फिर से सत्ता में आ गई है, उनके भाई प्रधानमंत्री हैं, इसलिए नवाज शरीफ भी इमरान खान के साथ वही सलूक करेंगे जो इमरान खान ने उनके साथ किया था। पाकिस्तान में हाल ही में नेशनल असेंबली की 8 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, उन जिसमें से इमरान खान की पार्टी 6 सीटें जीती थी। इससे आपको यह पता चलता है कि इमरान खान की लोकप्रियता अब भी पाकिस्तान में कम नहीं हुई है। बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति के बारे में, जिसका नाम है मेरा स्वाभिमान। टाइटल स्पॉन्सर लक्स कोजी इनरवेयर, चेहरे पे मुस्कान। आप जब रेलवे स्टेशन जाते हैं तो सामान उठाने के लिए अक्सर आपको कुली की जरूरत पड़ती है। सरकार ने वर्ष 2016 में एक बहुत अच्छी पहल की और कुली के स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उन्हें एक नया नाम दिया, और यह नाम था सहायक का। यानी अब आप उन्हें कुली कहकर नहीं बुलाएंगे, उन्हें सहायक कहकर बुलाएंगे, वो आपकी सहायता के लिए है। लेकिन कड़वा सच ये है कि इन सहायकों को लेकर ना तो लोगों की सोच बदली, ना ही नजरिया बदला, और ना ही लोग इन्हें सहायक मानते हैं। देश में 20,000 रजिस्टर्ड सहायक हैं और सामान उठाने का काम करने वाले गैर रजिस्टर्ड सहायकों की संख्या तो इससे कहीं ज्यादा है। अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर सहायकों का मानना है कि उनके स्वाभिमान की किसी को चिंता नहीं, वो इतनी मेहनत से काम करते हैं लेकिन उन्हें सम्मान नहीं मिलता। लेकिन सच में कुली होना आसान नहीं है। कभी लोग कड़वे शब्दों से स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं तो कभी घंटों की मेहनत की एवज में टके सी रकम देकर स्वाभिमान को कुचलने की कोशिश करते हैं। मेहनत की पूरी मजदूरी मांगने पर बदतमीज होने का ताना मारते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले ज्यादातर कुलियों का कहना है कि दिन में 12 घंटे की मेहनत के बाद भी
400 से 500 रुपए से ज्यादा की कमाई नहीं हो पाती। तो बहुत मुश्किल है साहब, सुबह से काम करते सब दिन भर लग रहते, थक जाते फिर भी करना पड़ता है, मजदूरी नहीं मिलती है, खर्चा तो बहुत कठिन चलता है साहब, 500-600 में खर्चा चलता है, 500-700-600 रुपए। महीने में 12-13 हजार रुपए में घर चलाना मुश्किल होता है। उस पर पहिए युक्त ब्रीफकेस और बैग का प्रचलन बढ़ने के बाद काम मिलना भी कम हुआ है। नियम के हिसाब से एक कुली सिर्फ 45 किलो का वजन उठा सकता है, लेकिन जो लोग कुली की सेवा लेते हैं उन्हें लगता है कि उन्होंने उसे खरीद लिया है और वो चाहे जितना बोझ उस पर रख सकते हैं। कुली का काम करने वालों को पता है कि मना करने पर लोग उनकी सेवा नहीं लेंगे और इसीलिए कई कुली अब काम छोड़ना चाहते हैं। सर देखो, ऐसे तो हम 12th स्टैंडर्ड पास है, लेकिन क्या बोलते हैं, ये काम हमको नौकरी वोकरी मिली नहीं कहीं, तो हमने ये काम भी मजबूरी में लिया। अपने वालिद साहब का बैच है, वो हमने ट्रांसफर कराया अपने नाम। जो आते साहब कुली गिरी काम तो मजबूरी में करना पड़ता है, नहीं ये काम है क्या, कोई पैसेंजर भी गलत बोल जाता है, सब तरह बोलते हैं। सरकार ने कुली का नाम बदलकर सहायक कर दिया है, लेकिन ज्यादातर सहायक मानते हैं कि लोगों की सोच में भी बदलाव जरूरी है और ये काम किसी योजना से नहीं हो सकता। जब से रेल है तब से लाल शर्ट और बाजुओं में बैच वाला ये कुली नाम का शख्स अस्तित्व में है, लेकिन यकीन मानिए एक अदद सरकारी मदद का इंतजार आज भी कर रहा है। अश्विनी हेलन के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। अगर आपके साथ या आपके आसपास कोई ऐसी घटना हो रही है जहां परिश्रमी लोगों के स्वाभिमान पर चोट हुई है, तो आप हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें ऐसी घटना का वीडियो भेज सकते हैं, अपना वीडियो बनाकर सुझाव भेज सकते हैं, अपनी कहानी बता सकते हैं। हमारा नंबर है 8657900895। बोलो जी, ये लोग कांप क्यों रहे हैं? इनको ठंड लग रही है। लेकिन हम क्यों नहीं कांप रहे? हमने लक्स कॉट्सवूल पहना है। बोलो जी शाबाश। चाचू आपको पसीने क्यों आ रहे हैं? लक्स कॉट्सवूल दे सर्दी में भी गर्मी का एहसास। लक्स कॉट्सवूल दे सर्दी में भी गर्मी का एहसास। चाचू अब सर्दियों की कोई टेंशन नहीं, क्यों? लक्स पार्कर, इसका स्पेशल फैब्रिक बनाता है इसे एकदम पतला और ज्यादा गर्म, तो चाहे इसे ऑफिस पहन के जाओ या स्कूल यूनिफॉर्म के नीचे, इसकी फिट रखे आपको सुपर कंफर्टेबल। लक्स पार्कर, गर्म भी पतला भी। हम आपकी कहानी पूरी दुनिया को सुनाएंगे और आपके स्वाभिमान के लिए आवाज उठाएंगे। आज तक पर आज का इतिहास। आज के दिन को भारत में पुलिस स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन उन भारतीय पुलिस कर्मियों को समर्पित है जो वर्ष 1959 में चीन के सैनिकों द्वारा किए गए हमले में शहीद हो गए थे। लद्दाख में हुए इस हमले में सीआरपीएफ के 10 जवान तब शहीद हुए थे और 7 को बंदी बना लिया गया था। आजादी से लेकर अब तक 35,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी देश और समाज की सुरक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं और आज हम देश के इन सभी रक्षकों को नमन करते हैं, सलाम करते हैं। डायनामाइट और डेटोनेटर के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1833 में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल तोप और दूसरे हथियार बनाने वाली मशहूर कंपनी बोफोर्स के मालिक भी थे। आपको याद होगा हमारे देश में भी बोफोर्स घोटाला हुआ था और हमने बोफोर्स से तोप खरीदी थी, अल्फ्रेड नोबेल उसी कंपनी के मालिक थे। नोबेल ने हथियारों के 90 कारखाने लगाए और उनके नाम पर 350 पेटेंट थे। विनाश के हथियार बनाते बनाते अल्फ्रेड नोबेल को पश्चाताप होने लगा और उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें अब मानव कल्याण की दिशा में भी कुछ काम करना चाहिए और इसीलिए उन्होंने हथियारों से कमाए गए पैसे से नोबेल पुरस्कार की स्थापना की। और आज आप जानते ही हैं कि नोबेल पुरस्कार दुनिया का बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है और दुनिया के बड़े बड़े जो चाहे वो वैज्ञानिक हों चाहे नेता हों वो नोबेल पुरस्कार जरूर हासिल करना चाहते हैं। वर्ष 1879 में आज ही के दिन मशहूर वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने अपनी लैब में दुनिया का पहला ऑपरेशनल इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था। यह बल्ब 13.5 घंटे तक जलता रहा था। बाद में इसमें और सुधार किया गया और यह मानव इतिहास के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक साबित हुआ। और आज जिस समय आप हमें देख रहे हैं आपके आसपास भी कोई ना कोई बल्ब जरूर टिमटिमा रहा होगा, इसलिए आज आप थॉमस एल्वा एडिसन को इस बल्ब के लिए जो आपके ऊपर होगा धन्यवाद दे सकते हैं।
तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, लेकिन वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलट कर ऊपर आता है।